हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ लेटेक्स कोर्स के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिकल स्टैकिंग सिंबल्स किस तरह से टाइप सेट किए जाते हैं या किस तरह से सेट करते हैं। अब ये स्टैकिंग सिंबल्स यानी क्या, तो जनरली कभी कभी क्या होता है कि मैथमेटिक्स में अगर आपको वेक्टर लिखना है, ठीक है, वेक्टर ए अगर आपको लिखना है तो ए के ऊपर आपका राइट हैंड एरो रहता है लाइक दिस, या कभी कभी आपको ए बार लिखना है तो ए के ऊपर आपको एक स्ट्रेट लाइन रहती है। तो ये जो एरोज या जो स्ट्रेट लाइन है किसी भी सिंबल के ऊपर, दे आर कॉल्ड एज द स्टैकिंग सिंबल्स। तो ये स्टैकिंग सिंबल्स किस तरह से आपको यूज करना है ये आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए स्टैकिंग सिंबल्स के लिए एक टेक्स्ट स्टूडियो एडिटर में ऑलरेडी बटन्स दिया हुआ है, तो बटन्स का आप यूज कर सकते हैं या आप कमांड भी याद कर सकते हैं। तो मैं अभी आपका बटन का यूज करके बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप मेन्यू में जाते हो तो यहाँ पे मेन्यू बार में एक मैथ मेन्यू है और मैथ मेन्यू के अंदर में आपके यहाँ पे देखिए कि अलग अलग स्टैकिंग सिंबल्स दिए हुए हैं। स्टैकिंग सिंबल्स आपको यूज करते समय ध्यान में रखना है कि ये जितने भी मैथ्स के फंक्शंस है वो हमेशा आपके इनलाइन मोड में या डिस्प्ले मोड में ही आना चाहिए, यानी इसके डबल डॉलर साइन के अंदर में इंक्लूड करना है या इसको इक्वेशन एनवायरनमेंट के अंदर में आपको यूज करना है। तो क्या कर लेता हूँ मैं, इन सभी को एक एक सिंबल्स आपका क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से आएगा। तो इसके लिए क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पे एक इनलाइन मोड क्रिएट कर लेता हूँ। इनलाइन मोड किस तरह से क्रिएट किया जाता है, बाय यूजिंग द डबल डॉलर साइन। उसका बटन यहाँ पे दिया हुआ है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। इनलाइन मोड के लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है, ये भी अगर आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे इनलाइन मोड आपका क्रिएट हो जाएगा। तो मैं इनलाइन मोड में लेता हूँ। अभी इस इनलाइन मोड में हम एक एक स्टैकिंग सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्टैकिंग सिंबल के लिए मैं मैथ मेन्यू में जाता हूँ, मैथ स्टैकिंग सिंबल्स, और ओवरलाइन के ऊपर अगर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो बैकस्लैश ओवरलाइन कमांड आ जाएगा और इसके साथ एक कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि बैकस्लैश ओवरलाइन आया हुआ है और यहाँ पे एक कंटेंट करके आया हुआ है। तो जो भी कंटेंट आप यहाँ पे लिखोगे उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बन के आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, दैट इज ए बी सी, अगर लिख देता हूँ तो ए बी सी के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो मैं इसको बिल्ड एंड व्यू करके देखते हैं और आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे ए बी सी के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन आ चुकी है, ठीक है। इसको आप जूम करके यहाँ से भी देख सकते हैं, ये बटन दिया हुआ है, इसे अगर आप देखते हो तो देखिए ए बी सी जो है ये आपका ऊपर एक स्ट्रेट लाइन आ चुकी है, ठीक है। सो दैट इज ओवर लाइन, उसको बोलते हैं बैक ओवर लाइन कमांड, ठीक है। तो मैं इसको ये कर देता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट लाइन में दूसरा एक इनलाइन मोड क्रिएट कर देता हूँ। देन सेकंड स्टैकिंग सिंबल देखेंगे हम, सेकंड स्टैकिंग सिंबल है हमारे पास अंडरलाइन। तो अंडरलाइन यानी क्या, ए बी सी के नीचे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक्स वाई जेड कर देता हूँ, तो एक्स वाई जेड के नीचे एक स्ट्रेट लाइन आएगी। मैं इसको बिल्ड एंड व्यू करके देखते हैं और बिल्ड एंड व्यू पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि एक्स वाई जेड के नीचे एक स्ट्रेट लाइन आई हुई है, अंडरलाइन, बैक स्लैश अंडरलाइन ऑलरेडी हमने देखा हुआ है इसके पहले भी, ठीक है। उसी तरह से मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ, इनलाइन कमांड आप इसको इक्वेशन मोड में भी यूज कर सकते हैं एंड गैदर मोड में यूज कर सकते हैं, अलाइन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ में जाएंगे, फिर से तीसरा स्टैकिंग सिंबल है हमारे पास ओवर ब्रेस। तो इन जो भी सिंबल्स रहेगा कंटेंट्स रहेंगे उसके ऊपर आपका एक ब्रेस आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बैक स्लैश ओवर ब्रेस और यहाँ पे मैं कुछ भी कंटेंट्स अगर यहाँ पे दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल फिर से ए बी सी अगर दे देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं बिल्ड एंड व्यू करता हूँ तो आप देखेंगे कि ए बी सी के ऊपर एक ओवर ब्रेस आ जाएगा। देखिए ए बी सी के ऊपर एक ओवर ब्रेस आ चुका है। तो इस तरह से ब्रेसेस की भी ज़रूरत कभी कभी हमको पड़ती है, ठीक है। तो ये ओवर ब्रेस आप क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट बताता हूँ, अंडर ब्रेस आएगा आपका। यहाँ पे मैं फिर से मैथ में जाता हूँ, स्टैकिंग सिंबल में जाता हूँ, ये देखिए अंडर ब्रेस, बैक स्लैश अंडर ब्रेस। तो यहाँ पे अंडर ब्रेस में मैं फिर से एक्स वाई जेड ही दे देता हूँ। आप कोई भी कंटेंट, जिस कंटेंट के ऊपर आपको ओवर ब्रेस, अंडर ब्रेस, ओवर लाइन, अंडर लाइन देना है वो कंटेंट्स इस कर्ली ब्रेसेस के अंडर में आपको देना है। तो ये अगर मैं फिर से इसको बिल्ड एंड व्यू करके देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप कि एक्स वाई जेड के नीचे एक अंडर ब्रेस आ चुका है, ठीक है। उसी तरह से आई विल गो ऑन क्रिएटिंग द रिमेनिंग
मैथ स्टैकिंग सिंबल्स, यहाँ पे फिर से मैथ में जाऊंगा, मैथ स्टैकिंग सिंबल्स, अभी यहाँ पे ओवर लेफ्ट एरो, अभी जो भी कंटेंट रहेगा उसके ऊपर एक लेफ्ट डायरेक्टेड एरो आएगा, ठीक है, इसको हम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी यल यम यन ले लेता हूँ, ठीक है, जनरली ये वेक्टर्स वगैरह क्रिएट करने के काम में आते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे इसको मैं बिल्ड एंड व्यू करता हूँ तो एल एम एन के ऊपर आपका एक लेफ्ट एरो आ चुका है, आप देखेंगे कि एक लेफ्ट एरो आ चुका है, दैट इज एक्सपांडिंग फ्रॉम एल एम अप टू एन, ठीक है। उसी तरह से ओवर राइट एरो आएगा, इनलाइन मोड क्रिएट कर देता हूँ, और यहाँ पे एक तो आप टाइप कर सकते हो, अगर मैं टाइप करना चाहता हूँ तो देखिए ओवर राइट एरो, अगर आप देखते हो तो ये देखिए पॉपअप हो गया कमांड, इसके ऊपर डबल क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं कोई भी टेक्स्ट अगर देता हूँ, ठीक है, तो उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए अगर लिखना है तो मैं ए दे देता हूँ सपोज यहाँ पे, ठीक है, आप कोई भी कंटेंट दे सकते हैं। बिल्ड एंड व्यू करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ए के ऊपर एक राइट एरो आया हुआ है, ठीक है। उसी तरह से आप नेक्स्ट स्टैकिंग सिंबल देख सकते हैं, या फिर से इनलाइन मोड मैथ में जाके आप स्टैकिंग सिंबल्स, और यहाँ पे एक स्टैक रेल है, ठीक है, एक स्टैक रेल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दो कर्ली ब्रेसेस आए हुए हैं, पहला टॉप सिंबल और दूसरा बॉटम सिंबल। अभी ये जो है हमारे पास एक के ऊपर एक दो कैरेक्टर्स आएंगे, ठीक है, कभी कभी हमको लिखने की जरूरत पड़ती है उस तरह से। मैं यहाँ पे ए देता हूँ और सपोज यहाँ पे बी दे देता हूँ, तो ऊपर ए आएगा और उसके नीचे बी आएगा, ठीक है। देखिए रन करके देखिए तो आप यहाँ पे देखेंगे ए और बी यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन देना भूल गया हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन कर देता हूँ पहले, और उसके बाद में फिर से एक बार रन कर देता हूँ, तो आप देखेंगे ए और बी, ठीक है, ए के ऊपर ए ऊपर आ चुका है और बी नीचे आ चुका है, दैट इज कॉल्ड एज द स्टैक रेल, ठीक है। और अभी और दो कमांड्स बचे हुए हैं, बैक स्लैश, फिर से मैं यहाँ पे इनलाइन मोड क्रिएट कर देता हूँ, मैथ मोड में जाता हूँ, देन विल गो टू द मैथ स्टैकिंग सिंबल्स, मैथ स्टैकिंग सिंबल्स में ओवरसेट, अभी ब्रैकेट में ए एम एस मैथ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कमांड यूज करने के लिए ए एम एस मैथ पैकेज अगर आपने इंक्लूड नहीं किया है तो भी रन करेगा, लेकिन ये दो कमांड्स के लिए आपका ए एम एस मैथ पैकेज आपका इंक्लूड रहना ही चाहिए। तो मैं ओवरसेट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं फिर से टॉप सिंबल और सिंबल दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे कोई भी एक सिंबल एल ले लेता हूँ, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल कैपिटल एक्स ले लेता हूँ, सपोज कुछ भी ले सकते हैं। मैं इसको बिल्ड एंड व्यू करता हूँ तो आप फिर से देखेंगे यहाँ पे कि टॉप में मेरे पास एल आएगा और नीचे एक्स आएगा। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट मैथमेटिकल इक्वेशंस में रहते हैं, ठीक है, थीके? और उसी तरह से आप और एक लास्ट वाला देख सकते हैं, इनलाइन मोड फिर से मैथ में जाता हूँ, मैथ स्टैकिंग सिंबल्स और अंडरसेट, ठीक है, इसको अगर मैं करता हूँ तो बॉटम सिंबल कौन सा और टॉप सिंबल कौन सा। बॉटम सिंबल अगर मेरे पास एम है और सिंबल है अगर मेरे पास है जी अगर ले लेता हूँ, और इसको अगर मैं रन कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जी ऊपर है और बॉटम में एम आया हुआ है। तो जब आप कमांड्स यूज करते हो बाय यूजिंग द बटन्स, ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको एक गाइड आ जाता है कि यहाँ पे क्या टाइप करना है। इसको हम जूम करके अगर आप देखते हो तो आप देखेंगे कि जितने भी कमांड्स हमने लिखे थे उसके रिलेटेड आप ये आउटपुट आ गया, दिस इज ओवरलाइन, दिस इज अंडरलाइन, दिस इज ओवरब्रेस, दिस इज अंडरब्रेस, दिस इज ओवर लेफ्ट एरो, दिस इज ओवर राइट एरो, दिस इज स्टैक रेल एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, प्रैक्टिस कीजिए, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी